हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? अरे पापा, आज हम सबको अपने जन्मभूमि ले जा रहे हैं, जहाँ पे हम सब वहाँ जा रहे हैं। ये डुगू देखो तैयार हो गई है, बैठी है रेडी होके, और मम्मी भी तैयार हो गई, पापा भी तैयार हो गए, सब हो गए। बस डुगू के पापा तैयार नहीं हुए अभी। डुगू तैयार हो गई? वो तैयार हो गई फ्रेंड्स। अब हम सब निकल लिए, दीदी से बोल दिया गेट लगा लेना, अभी वो अकेली रह जाएंगी। आज ताला लगा देते, बस दे रखा साइकिल पे। चल दिए हम सब रास्ते में, निकल लिए। आज मम्मी अपनी ससुराल जा रही है और मैं अपनी सास की ससुराल जा रही हूँ। पापा बोल रहे हैं कि पापा को 7-8 साल हो गए गए हुए वहाँ पे, तो उनका बहुत मन था, पिछले साल भी नहीं जा पाए, बोल रहे थे कि सबको चलना है चलना है, तो जा नहीं पाए और इस साल जा रहे हैं। और मम्मी तो पहली बार ही जा रही है जब से शादी हुई है, वहाँ गई नहीं है, यहाँ रहने लग गए थे सभी मथुरा में। और ये पैसे निकालने गए हैं अभी, क्योंकि रास्ते में ज़रूरत वगैरह पड़ जाती है तो नहीं मिलते हैं, फिर ऑनलाइन कहीं कहीं पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाता है तो फिर प्रॉब्लम। ये इनकी नींद पूरी हो गई है, एक सो के जग गई है, ये सो लिए। देखो हम सब पहुंचने वाले हैं, तो धीरे धीरे पापा की एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि अब हम पहुंचने वाले हैं। किस आदमी का बचपन बीता है वहाँ, अब अपना तो कोई है नहीं वहाँ, अब बेचारे वही है, उनका अपने बचपन याद आ रहा है। देखो पापा की खुशी, पापा कह रहे हैं वहाँ मैं रहा हूँ, बचपन बीता है, बहुत सालों बाद हम जा रहे हैं। चल कोई वही है घूमता जीता, चलो वो अब आज भी अलग न कर गया। पापा बोल रहे हैं कि अगर मम्मी होती, मम्मी होती तो बोलेंचर घूम चलती। हाँ कह रही होंगी आपसे, अब है आपसे कह रही होंगी। हाँ कह रही थी, होती तो चलती गाड़ी बैठ के, अब है ही नहीं, चली गई, क्या करें। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं बुलंदशहर, पापा के शहर में, और मैंने आपको बताया नहीं था मेरा आज एग्ज़ाम है यहाँ पे, तो इसी वजह से हमारा सबका आना हुआ यहाँ पे। अभी हम कॉलेज में जा रहे हैं चेक करने कि हमारा सीट और क्लासरूम कौन सा है, फिर मिलते हैं आपसे। अभी हम यहाँ पे एडमिट कार्ड निकलवा रहे हैं अपना, फिर उसके बाद मम्मी वहाँ पे हैं अभी गाड़ी में, हम दोनों अभी यहाँ एडमिट कार्ड निकलवाने आए थे, उसके बाद जाते हैं फिर कहीं घूमेंगे। गए हैं अपना एडमिट कार्ड निकलवा के ये, और मम्मी और ये डुगू यहीं रह गई थी गाड़ी के पास, इनको छोड़ के गए थे कॉलेज देखने गए थे हम अपना। अब चलते हैं, हम लोग कुछ खाते हैं, सुबह आए थे सब ऐसे ही, भूख लग रही है सबको, और हमारा एग्ज़ाम तो 3 बजे से है, तो 3 बजे जाऊँ, 2 बजे जाऊँगी मैं एग्ज़ाम देने। चलो खाना खाने चलते हैं फिर। कितने खुश है घूमने के लिए, बस घूम भालो इस पर, घूमने जा रही हो के लिए कार लेने आए हैं, बोल रहे हैं इसके पापा की कार लेते हैं। यहाँ ये लाली के लिए कार ले रहे हैं हम लोग, तो ले गए और खाना में आपकी हाई स्कूल का यहीं पड़ेगा, यहाँ की मोड़ा जुना है स्कूल में, हाँ बढ़ जाएगा। ये बेल्ट मिल जाती है, अच्छा अच्छा अच्छा, है ना, अच्छा, अच्छा। क्या एक तो झूला है, एक ऑटोमेटिक बच्चा और एक रिमोट पर ये ट्राई कर रही है गाड़ी। बच्चों
वो तो किसा करिए अभी। वो रिमोट से चला रहे हैं। पापा हम सबको ले जा रहे हैं अभी, कह रहे हैं चलो पहले मंदिर घूम के आते हैं। राजराजेश्वर मंदिर। हाँ, राजराजेश्वर मंदिर ले जा रहे हैं घूमने सबको, जहाँ पापा का बचपन बीता था। पापा हम सबको ले जा रहे हैं वहाँ पे। कितने दूर है मम्मी, कहाँ पे ले जा रहे हैं? राजराजेश्वर मंदिर इधर है। हाँ इधर है। तो अभी हम सब वहीं जा रहे हैं मंदिर। पापा बोलते थे वहाँ, यहाँ हम अपने भाइयों को गोद में लेके खिलाते थे। अच्छा, अपने बचपन की यादें कर रहे हैं। अभी रह रहे हो? देखो ये पतंग उड़ाते थे हमारे टाइम में। थे बिलू थे, पापा ने कंडक्टर थे। इनके साथ हम बुलंदशहर गए थे, वो मथुरा आए थे तब बैठ के। पापा के फिर बचपन के फ्रेंड मिल गए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ऊपर छत पर पतंग उड़ाते थे, हम बगल में रहते थे, दूर जाते थे, पतंग वाले थे, जगदी भाई साहब चौपड़ खेलते थे, रात को 12 बजे तक चौपड़ खेलते थे। पापा ले आए हम सबको मंदिर, पहुंच गए हैं। पापा कह रहे हैं यहाँ पे मैं रहता था, छोटे भाइयों के साथ आता था। ये मंदिर है, आ जाओ। लेट हो गए तो ये मंदिर के पट बंद हो गए हैं। अभी हम फिर बोल रहे हैं कि 3:30 बजे खुलता है जब आना, जब तो मेरा एग्ज़ाम होगा तो फिर हम अभी नहीं आ पाएंगे। ये वही रास्ता आ गई है, मामन चौक। अभी हम यहाँ पे छोटे भटूरे खा रहे हैं, उसके बाद चलते हैं, फिर एग्जाम सेंटर पहुँच जाएंगे क्योंकि टाइम होने वाला है। फिर मिलते हैं, मम्मी पापा पीछे बैठे हैं। फ्रेंड्स अब हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया, तो अब हम सब यहाँ पार्क में बैठे हुए थे। अब हमारा एग्ज़ाम का टाइम हो गया, तो मैं अभी जा रही हूँ एग्ज़ाम सेंटर पे, और मम्मी लाली को लेके गाड़ी में जा रही हैं क्योंकि वो सो गई है अभी, तो वो वहीं पे उसको सुला लेंगे क्योंकि अभी ये फिर परेशान करेगी और ख़ुद भी परेशान हो जाएगी वो। और 2 घंटे का मेरा एग्ज़ाम है, 5 बजे फ्री होंगी मैं, तो उसको टाइम लग जाएगा, परेशान हो जाएगी वो। अभी हम फिर जाते हैं, सब गाड़ी के पास पहुँचते हैं। मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। तो अभी फ्रेंड्स मैं पेपर दे के आ गई हूँ, और ये सब लोग वेट कर रहे थे, ये सो गई थी लाड़ो। अब हम सब घर जा रहे हैं वापस, अभी गाड़ी निकाल रहे हैं पार्किंग से, घर ही तो चलेंगे, अब कहाँ चलोगी घूमने। फ्रेंड्स अभी हम सब वापस लौट रहे हैं, रास्ते में अब रात जल्दी हो जाती है तो अंधेरा हो गया है। अभी हम लोगों को भूख लगी है, तो हम लोग अभी रुके हुए हैं खाना खाने के लिए क्योंकि रात हो जाएगी हमको पहुंचते। तो अभी हम सब रुक गए हैं यहाँ पे, खाना खा के फिर चले जाएंगे घर। हाँ अभी हम लोग खाने का वेट कर रहे हैं, और ये देखो डुगू ये खा रही है, खीरा खा रही हो? लोग चाय पी रहे, खाना खा के फ्री हो गए। खाना खा लिया आपने? अब हम पहुंच गए हैं अपने घर, बाजार रास्ते में हैं, टाइम लग गया हम लोगों को आने में, हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ा सा रह गया है दूर। घर पे वो थौर है हमारा, वेट कर रहा है, उसने खाना नहीं खाया, वो दीदी बता रही थी कि खाना नहीं खा रहा है वो, तो पापा हैं उसको खाना खिलाएंगे जाके, क्योंकि पापा से ही खाता है वो, इस वजह से खाना ही नहीं खाया उसने। हम लोग धौली पे पहुंच गए हैं, हम लोग मार्केट यहीं करने आते हैं क्या? अच्छा, घर पहुंच गए हैं अब जस्ट अभी। आप सब बताइए आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा,
पापा ने हम सबको आज घुमाया भी वहाँ पे, लेकिन हम सब पहुँचे जब तक मंदिर बंद हो गया था, फिर मेरा एग्जाम था तो मैं जा नहीं पाई वहाँ पे, फिर टाइम ही नहीं बचा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई न्यू ब्लॉग, राधे राधे।